हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुस किचन व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सिंदूर। जी हां, सिंदूर। सुहागन महिलाओं को कितनी बार सिंदूर लगाना चाहिए, मांग में सिंदूर भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरना चाहिए, किस टाइम पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल बटन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बगैर नहाए धोए सिंदूर नहीं लगाना है, अपनी मांग में नहीं सजाना है। जी हाँ, क्योंकि सिंदूर को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिंदूर का अपमान माना जाता है। दूसरा, आपको अगर आपके घर में सूतक हैं या फिर आप पीरियड्स से हो तो भी आपको अपनी सिंदूर नहीं लगाना है अपनी मांग में, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा सिंदूर का अपमान माना जाता है, क्योंकि सिंदूर बहुत ही पवित्र माना जाता है सिंदूर को। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सिंदूर एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र चीज है और उसको पूजा की चीज़ों में ही यूज किया जाता है। और जब आप पेट से होते हो या आपके घर में सूतक का कोई काम होता है तो उस टाइम पर आपको सिंदूर नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको सिंदूर बच्चों की पहुँच से दूर रखना है, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार बच्चे गिरा देते हैं सिंदूर, और सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशकुन माना जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा सिंदूर को। कई बार तो हमारे खुद के ही हाथों से गिर जाता है सिंदूर, और अगर सिंदूर आपके हाथों से गिर भी जाता है तो आपको क्या करना है? बहुत सारे लेडीजों को मैंने देखा है, बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि अगर सिंदूर गिर गया है तो उसको झाड़ू लगा कर या फिर पोंछे से या फिर उसको डस्टबिन में फेंक देती हैं, या उसे वाशिश में या सिंक में या टॉयलेट में गिरा देती हैं कहीं भी उस सिंदूर को। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करते हो तो सिंदूर का बहुत ही बड़ा अपमान माना जाता है, बहुत ही बड़ा अपशकुन माना जाता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका सिंदूर गलती से गिर गया है आपके हाथों से या फिर बच्चों के हाथों से गिर गया, कई बार खुद से हमसे गलती हो जाती है, हमारे हाथों से गिर भी जाता है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, सिंदूर को उठाना है, अपने माथे से लगाना है और उसे पेड़ किसी भी पेड़ के नीचे रख देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी आपके हाथों से ऐसा होता है तो आप उस सिंदूर को उठाइए और उसे किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। और सिंदूर को कब नहीं लगाना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती करती हैं महिलाएं, जो कि किसी को पता भी नहीं होता है, और ख़ास तौर पर जो नई शादी होती है जिनकी, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होता है ये सारी चीज़ें। तो सिंदूर लगाने का सबसे जो मेन होता है, सिंदूर कब नहीं लगाना चाहिए, सिंदूर किसी के भी सामने नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको सिंदूर किसी के भी सामने नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप किसी के भी सामने सिंदूर लगाते हो तो आपके पति का प्यार बढ़ जाता है, आपका पति का ध्यान उधर से चला जाता है, और आपका पति का प्यार आपके लिए कम हो जाता है, ऐसा मानना है। इसलिए सिंदूर को आपको किसी के भी सामने नहीं लगाना है, सिंदूर हमेशा अकेले में लगाना चाहिए, किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है, मतलब सूखा सिंदूर लगाना चाहिए कि लिक्विड लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हैं, मैं भी लिक्विड सिंदूर ही लगाती हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि सूखा सिंदूर लगाने का तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या होता है। तो जो अक्सर लड़कियाँ या लेडीज महिलाएं जो करती हैं सूखा सिंदूर ना लगाने का रीज़न, कुछ को तो सूट नहीं करता इसलिए नहीं लगाती हैं, लेकिन कुछ को सही तरीका पता ही नहीं होता जिसकी वजह से वो सूखा सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ सूखा सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या होता है। उनका मेन क्या होता है, सूखा सिंदूर जब वो लगाती हैं तो उसको फोरहेड पे गिर जाता है या फिर वो नोज पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ख़राब लगता है या लगता है कि सिंदूर गिर रहा है ऊपर से नीचे, मतलब लगाते टाइम। तो
जो फोरहेड पे या नोज पे सिंदूर गिरता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपके पति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अगर आपका सिंदूर आपके फोरहेड पे या नोज पे गिरता है लगाते टाइम। दूसरा, आप और एक और बात होती है कि लड़की लेडीजों को, बहुत सी महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि सूखा सिंदूर कैसे लगाती हैं। तो सूखा सिंदूर लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सूखा सिंदूर लीजिए और अपनी ये वाली राइट हैंड की ये वाली फिंगर लीजिए, उसको पानी में या फिर गुलाब जल जो होता है उसमें डिप करिए और उसको सिंदूर में लगाइए और उसके बाद उसको मांग में लगा लीजिए। और अगर आपको मोटा सिंदूर पसंद नहीं है तो आप क्या करिए, जो माचिस की स्टिक होती है उसको पानी में गीला करिए और उसको गीला करने के बाद अपनी मांग में लगा लीजिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। और एक बात और, जो न्यू मैरिड होती हैं या जिनकी अभी अभी शादी होती है, नई नई शादी होती है, उनका मानना होता है कि सिंदूर कुछ टाइम तक हम अपने पति के हाथों से ही भरवाएंगे अपनी मांग में, तो इससे पति का प्यार बढ़ जाता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जब हमारी शादी हुई थी तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि हम अपने पति के हाथों से ही अपना सिंदूर भरवाएं तो ही प्यार बढ़ता है। कहते हैं ना कि पति भरे सिर्फ 2 बार, पत्नी भरे 12 बार, तो ये वाली बात है, हमने तो यही सुना है। और जो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि पति सिर्फ अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर 2 बार भरता है, एक जब पत्नी की शादी होती है, पति पत्नी की जब शादी होती है, एक शादी के टाइम पर सिंदूर भरता है अपनी पत्नी की मांग में पति, और एक सिंदूर भरता है तब जब वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, उस वक्त आखिरी वक्त में वो अपनी पत्नी का सिंदूर भरता है मांग में जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाती है, तो ऐसा माना जाता है। तो आप लोगों को मेरी कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करती हूँ। आप लोगों के और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़, अगर पहली बार विजिट करें मेरे चैनल पर तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, और मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।